क्यूट सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स, तो विंटर्स बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं, तो विंटर्स में हमें हमारी स्किन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ये जानना अपनी स्किन के लिए बेस्ट और सही और अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर कौन सा है। तो ऐसे ही कुछ अफोर्डेबल और बेस्ट मॉइस्चराइजर हर स्किन टाइप के लिए मैं लेकर आई हूँ, और आपको बताने वाली हूँ कि कौन से स्किन टाइप के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में कौन सा मॉइस्चराइजर अच्छा हो सकता है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर के बटन को प्रेस करके दबाए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारे कुछ मॉइस्चराइजर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैसलिन को पिक कर लेती हूँ, जिसपे मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। तो बाद में इसकी सच्चाई मुझे पता चलने के बाद मैं इसे कभी कभी ही अपने हाइलाइटर के लिए, या फिर मेरे जो लेग पे कुछ फटे फटे से हो जाते हैं तब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, और पैरों में यूज़ करती हूँ बस। और पर तो इसे मैं एक फेस मॉइस्चराइज़र के लिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप इसकी सच्चाई नहीं जानते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। सेकेंड यहाँ पर है हमारा बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड, हमें डाबर गुलावरी, में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोल्ड क्रीम है, 15 ml का है। वर्क इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन टू ऑयली टू नॉर्मल स्किन वाले के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेता है ऑब्जर्व होने में, बस ये 10 सेकेंड में ही ऑब्जर्व भी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब नेक्स्ट हमारा है, यह काफ़ी ट्रस्टेबल है, जो कि निविया का है, विंटर में मस्ट हैव है, और ये 55 rupees में 30 ml है, काफ़ी बजट फ्रेंडली बजट में है। और सब बोलते हैं कि ये ड्राई स्किन के लिए होता है, बट ये ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज तो ये करता ही है। जब आप इसे अप्लाई करते हो तो इसमें से थोड़ा हल्का सा पानी पानी जैसा ये मुझे फील होने लगता है, ऑब्जर्व ये अच्छे से हो जाता है। टेक्सचर इसका थिक है, बहुत अच्छा दिखता है, और ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी है। नेक्स्ट है हमारा बोरो प्लस का, ये एक जेली मॉइस्चराइजर है, ये लिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स के साथ नहीं आता है, और ये बहुत ही नेचुरल है, 5 rupees में आता है। एज अ फेस मॉइस्चराइजर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, और ये ड्राई लिप्स के लिए अच्छा है, मतलब एकदम ड्राई चैप्ड लिप्स के लिए नहीं है। और अगर ये वर्क नहीं करता है, और आप लिप्स को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट है हमारा ये छोटू सा पॉन्ड्स, जो काफ़ी टाइम से हम यूज़ करते हैं, और ये भी ट्रस्टेबल है, 5 rupees में आता है, फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, बट ये जो है ये जल्दी से ऑब्जर्व नहीं होता है, और स्किन पे टाइम लेता है ऑब्जर्व होने में। इससे अप्लाई करने के बाद स्किन थोड़ी सी काली भी दिखने लगती है, और तो ये ड्राई स्किन के लिए थोड़ा बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ा ऑयल बेस है, तो ऑयली टू नॉर्मल स्किन वाले इसे चला सकते हैं थोड़ा सा। और ये जो है अभी न्यू पैकेजिंग में आया है निविया, वर्क बिल्कुल ही दोनों का सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, टेक्स्चर सेम है, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम है। और अब जो है हम बात करेंगे इस पॉन्ड्स के, ये जो न्यू वाला है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, बट ये छोटे से पैक में नहीं आता है, और ये डायरेक्ट इसे इतना ही हमें लेना पड़ता है। तो ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, तो ये ड्राई स्किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए जेल बेस है, तो आप इसे ऑयली स्किन में ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जेल बेस है, तो आप इसे ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा जॉय हनी एंड आलमंड्स का ये मॉइस्चराइजर, तो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रनी इसका टेक्सचर है, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑयल बेस है, तो इसलिए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल अपने बॉडी में अप्लाई करना इसे ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो आप भी इसे बॉडी में अप्लाई करें, स्किन को ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा कर देता है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अब है ये हमारे पास, ऑनेस्टली मैं इसे अभी कुछ ही टाइम से, मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है, और मैं इसे कब लगभग 1 महीने मुझे हुए होंगे इसे यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये एडवन नेचुरल्स का है, ऑल पर्पस क्रीम है, विद ABC एलोवेरा बेरेस कैलेंडुला के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ये क्रीम है, इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा बटरी है, और ये फ़िलहाल मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो है ये बन गया है। और इसके बारे में और भी ज़्यादा बातें बोली जाती हैं कि ये आपको काले
से गोरा भी कर देता है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है फुल डिटेल तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हमारे पास ये बोरोलून ये है जो कि परफेक्ट ड्राई चैप फटी हुई स्किन के लिए एकदम ही सर्दियों में जिनको बहुत ही मुश्किल हो जाती है, तो ये ऐसे ड्राई स्किन के लिए ये सबसे बेस्ट फेस मॉइस्चराइज़र है। बट अच्छा और अगेन ट्रस्टेबल भी है, और सुनते हैं हम इसे बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बहुत ही ड्राई स्किन है अगर आपकी तो सर्दियों की सारी प्रॉब्लम्स को ये बिल्कुल अच्छे से जड़ से ख़त्म कर देता है अगर आप ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, 10 रुपये में आता है, काफ़ी अच्छा फेस मॉइस्चराइज़र है। और अब हमारा जो ये है वो फाइनली ये बोरो प्लस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड है, एंटीसेप्टिक क्रीम के बारे में है। तो ये तो हमारा बोरो प्लस का क्रीम है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए और एंटीसेप्टिक भी है। तो मतलब आप इसे अगर कहीं आपको कट गया हो, चोट लग गई हो, तो भी आप वहाँ पर इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ये भी काफ़ी टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और ठंड की सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देता है। और ये मॉइस्चराइज़र ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट जो कि अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ के अंदर मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ अफोर्डेबल बेस्ट मॉइस्चराइजर्स जो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और हमारे लिए एकदम वरदान का काम करते हैं इस विंटर्स में, मतलब कड़कड़ाती सी ठंड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ अगेन बोल रही हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही न्यू प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। बाय।